हेलो फ्रेंड्स वेरी वोम वेलकम टू एल्के अकेडमी एंड वेलकम बैक अगेन टू दी करंट अफेयर्स लेक्चर्स आई होप एवरी वन ऑफ यू इज़ सेफ एंड डूइंग वेल एट योर होम सो आज हम आपके लिए लेके आए हैं अप्रैल मंथ के जो रिमेनिंग करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है uh, वो हम आपके लिए लेकर आए हैं आई होप यू हैव गॉन थ्रू ऑल दी प्रीवियस लेक्चर्स वो आई एम सेंग दिस अगेन एंड अगेन बिकॉज देर आर मल्टीपल टॉपिक्स जो कि पिछले लेक्चर्स में कवर हुए टॉपिक के अपडेट टॉपिक्स होंगे ओके okay, सो so, अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं ऑल द लेक्चर्स आर नाउ अवेलेबल ऑन दी एंड्रॉयड एंड आई ओ एस एप्लीकेशन एज वेल सो प्लीज़ गो एंड वॉच ऑल दी करंट अफेयर्स लेक्चर्स तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज क्वाइट एन ईजी टॉपिक और वो है मानस मोबाइल ऐप अब देखिए मानस शब्द से आपको क्या दिमाग में आएगा वॉट इज द फर्स्ट थाट दैट हैज कम टू योर माइंड तो संस्कृत में मानस शब्द का मन होता है मन और थिंकिंग और सोच ओके okay? तो क्योंकि पेंडेमिक की वजह से मल्टीपल पीपल आर गोइंग थ्रू लॉट्स ऑफ ट्रॉमा तो उसकी वजह से उसको क्योर करने के लिए गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च दिस मानस एप्लीकेशन सो रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च अ मोबाइल एप्लीकेशन मानस दैट इज़

Council that facilitates the principal scientific advisor's office to assess the status in specific science and technology domains, comprehend challenges in hand and formulate specific in interventions, develop a futuristic roadmap and advise the prime ministers accordingly. Now, what is the key points related to this uh, MANAS mobile application? So it is a comprehensive, scalable and national digital well-being platform and an application developed to augment mental well-being of indian citizens it intrigates the health and wellness efforts of various government ministries scientifically validated indigenous tools with uh, gamified interfaces developed researched by various national bodies and research institutions it is based on life skills and core psychological processes with universal accessibility delivering age appropriate methods and promoting positive attitude focusing on the wellness सो ऑल अक्रॉस दी एज ग्रुप इसको हेल्प करने के लिए ये बनाया गया है किसने डेवलप किया है इसको सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसिस बेंगलुरु आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज पुणे एंड सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग बेंगलुरु तो ये सारी जो एजेंसीज है उनकी तरफ से इसको डेवलप किया गया है बेनिफिशरीज कौन से होंगे इसके सो केटरिंग टू दी ओवरऑल वेल वेलबींग ऑफ पीपल ऑफ़ ऑल एज ग्रुप द इनिशियल वर्जन ऑफ द मानस फोकस ऑन प्रमोटिंग पॉजिटिव मेंटल हेल्थ इन द एज ग्रुप ऑफ फिफ्टीन टू थर्टी फाइव ईयरस तो जो इनिशियल वर्जन लॉन्च किया गया है दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द एज ग्रुप ऑफ 15 टू 35 फाइव ईयर्स एम क्या रहेगा इसका सो टू बिल्ड दी हेल्थियर एंड हैपियर कम्युनिटी टू एम्पावर इट टू नर्चर इट्स इनेट पोटेंशियल फॉर बिल्डिंग अ स्वस्थ एंड आत्मनिर्भर भारत मोटो ऑफ मानस क्या रहेगा सो दैट विल बी उत्तम मन सक्षम जन ओके okay, तो ये मोटो भी आपको याद रखना है और क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी सो so, देखिए उसका जो रूट कॉज है आई मीन जो रीज़न जो है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है थर्टी परसेंट ऑफ़ प्रिविलेंस ऑफ मेंटल इलनेस इन इंडिया एज़ पर नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे और देखिए हमारे यहाँ मेंटल इलनेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया नहीं जाता ओके okay, हमारे यहाँ काफ़ी मेंटल इलनेस को आज भी काफ़ी सारे जो Uh, लोग है वो रिपोर्ट नहीं करते डर की वजह से शर्म की वजह से कि सोसाइटी में उनको पागल बोल दिया जाएगा या देर आर मल्टीपल लेबल्स अवेलेबल ओके तो इसकी वजह से देर आर क्रोर ऑफ मेंटल हेल्थ केसेस जो कि अनरिपोर्टेड रह जाते हैं राइट एंड दैट इज़ लिटरली नॉट गुड फॉर आवर ओवरऑल मेंटल नेशनल हेल्थ एंड दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट के ऐसे जो लोग हैं जो इस ट्रॉमा से या मेंटल इलनेस से गुजर रहे हैं उनको रिपोर्ट किया जाए सो दिस इज बेसिक रूट कॉज ऑफ़ दैट अदर इंडियन इनिशिएटिव्स टू इंप्रूव मेंटल हेल्थ क्या है सो so, पहला है द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। सो दिस एक्ट केम इनटू फोर्स इन 2018 टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ परसन विथ डिसेबिलिटीज विच इंडिया रेटिफाइड इन टू थाउजेंड एंड सेवन तो देखिए दस साल के बाद हमने जो रेटिफाइड दो हज़ार सात में कर लिया था राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसबिलिटीज के लिए उसके लिए हमने एक्ट बनाया दो हजार सत्रह में ऑलमोस्ट दस साल हमको लग गए जस्ट टू क्रिएट एन एक्ट ओके नेक्स्ट इज किरण सोधी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज़ लॉन्च द ट्वेंटी फोर क्रॉस सेवन Toll free helpline to provide support to people facing anxiety stress depression uh, suicidal thoughts and other mental health concerns okay सो so, कोई भी इंसान 24 फोर क्रो सेवन टोल फ्री हेल्पलाइन पे जाकर अपने लिए मदद ले सकता है मनोदर्पण इनिशिएटिव इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस मनोदर्पण इनिशिएटिव सो मनोदर्पण इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान इट इज़ एम्ड टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू स्टूडेंट फैमिली मेम्बर्स एंड टीचर्स फॉर देयर मेंटल हेल्थ एंड वेलबीइंग ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ कोविड नाइन्टीन हमें ऑलरेडी पता है कि जो uh, एजुकेशन सेक्टर है वो काफ़ी टर्बुलेंस अभी गुजर रहा है ओके okay? स्टूडेंट्स uh, को अपना क्या फ़्यूचर होगा वो पता नहीं है टीचर्स को अपना क्या फ्यूचर होगा वो पता नहीं है क्योंकि काफ़ी सारी स्कूल्स बंद है या बंद होने वाली है तो इन दिस केसेस दे आर गोइंग थ्रू अ मेंटल ट्रामा और उसको एड्रेस करने के लिए ये मनोदर्पण इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था नेक्स्ट इज़ निम्हंस राह एप्लीकेशन सो इट इज़ अ वन स्टॉप सोर्स of data on mental health centers and professionals it is developed by the nimhans okay chale so this is quite an easy topic for us next jo hamara topic hai that is again related to national security and uh, regional peace jo ki hai mizoram ke brew refugees पिछली बार हमने देखा था कि जो बोडो अलग बोडोलैंड की जो मांग हो रही थी उसमें कैसे गवर्नमेंट ने उसको टैकल किया नॉर्थ ईस्ट में जो अलग अलग सिक्स्थ स्केड्यूल जो है वो क्यों नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग रीजन में लगाया गया है उनका क्यों एडमिनिस्ट्रेशन क्यों होता है कैसे होता है हैव ऑलरेडी गोन थ्रू दिस टॉपिक्स मिज़ोरम ब्रू रेफ्यूजीज के लिए जो समझौता हुआ था ट्वेंटी 29... उसका जो प्रोसीजर है वो अब धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है सो द प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट ऑफ मिजोरम ब्रू रेफ्यूजीज इन त्रिपुरा हैज स्टार्टेड ये जो समझौता था बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट मिजोरम गवर्नमेंट एंड त्रिपुरा गवर्नमेंट तो ये इंप्लीमेंट होना अब स्टार्ट हो गया है सो द प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट ऑफ मिजोरम ब्रू रेफ्यूजीज इन त्रिपुरा हैज स्टार्टेड इट इज़ इन अकॉर्डेंस विथ अ क्वरीपर्ट अकॉर्ड साइन इन न्यू डेली इन जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी तो चार पार्टीज के बीच ओके नॉट इन नॉट बिटवीन थ्री पार्टीज चार पार्टीज के बीच ये समझौता हुआ था ब्रू और रेंग इन इज अ कम्युनिटी इंडिजीनियस टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया लिविंग मोस्टली इन त्रिपुरा मिजोरम एंड आसाम इन त्रिपुरा दे आर रिकोगनाइज एज अ पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप ओके okay, तो ये जो ब्रू और रेंग ओके okay, आप दोनों में से कोई भी एक नाम आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है सो so, ब्रू और रेंग इज अ कम्युनिटी इंडिजीनियस टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया लिविंग मोस्टली इन त्रिपुरा मिजोरम एंड असम इन त्रिपुरा दे आर रिकोगगनाइज एज अ पर्टिक्युलरली वालरेबल ट्राइबल ग्रुप इन मिजोरम दे हैव बीन टारगेटेड बाई ग्रुप्स दैट डू नॉट कंसिडर दैम इंडिजीनियस टू स्टेट तो देखिए मिजोरम में उनको सेफ पैसेज नहीं मिल रहा था सेफ़ लैंड नहीं मिल रहा था रहने के लिए क्यों क्योंकि मिज़ोरम की जो बाकी की जो इंडिजीनियस ट्राइबल ग्रुप्स है वो ब्रू और रेंग कम्युनिटी को वहाँ का रेसिडेंट नहीं मानते थे और इसी की वजह से क्या क्या हो रहा था उनके ऊपर बार बार एथनिक अटैक्स हो रहे थे the, मिजोरम उनके लिए सेफ़ नहीं था एंड दैट्स वाई वॉट वॉट हैज़ बिन डिसाइडेड अंडर दिस अकॉर्ड और अग्रीमेंट कि मिज़ोरम में जितने भी ब्रू और रेंग कम्युनिटी के लोग हैं उनको त्रिपुरा में सेटल किया जाएगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट उनको फिनंशियल मदद करेगी सोशली मदद करेगी और उनको कहाँ ले जाया जाएगा त्रिपुरा में सेटल किया जाएगा ओके सो इन मिज़ोरम दे हैव बीन टारगेटेड बाय ग्रुप्स देट डू नॉट कंसीडर देम इंडिजीनियस टू स्टेट इन 1997 फॉलोइंग एथनिक क्लैश नियरली थर्टी सेवन थाउजेंड ब्रूज फ्लेड टू मामिट कोलासिब एंड लुंगले डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम एंड वर अकोमोडेटेड इन रिलीफ कैंप्स इन त्रिपुरा तो देखिए मिजोरम से लगभग सैंतीस हज़ार जितने जो ब्रू कम्युनिटी के जो लोग थे वो कहाँ जाकर सेटल हो गए रिलीफ कैंप्स में जाकर सेटल हो गए त्रिपुरा में सिंस देन फाइव थाउजेंड मिजोरम इन एट फेजिज ऑफ रिपेट्रिएशन वेल थर्टी टू थाउजेंड स्टिली इन दिक्कस रिलीफ कैंप्स इन नॉर्थ त्रिपुरा इन जून 2018 कम्युनिटी लीडर्स फ्रॉम द ब्रू कैंप्स साइंड एन अग्रीमेंट विथ देंटर एंड दू स्टेट गवर्नमेंट्स

तो इसीलिए एक नया अग्रीमेंट लाया गया और वो क्या था अग्रीमेंट सो दी सेंटर सेंटर, दी गवर्नमेंट्स ऑफ मिजोरम एंड त्रिपुरा एंड द लीडर्स ऑफ ब्रू ऑर्गेनाइजेशन साइंड अ पार्टीड एग्रीमेंट इन जनवरी 2020 अंडर दी पैक्ट दी होम मिनिस्ट्री हैज कमिटेड टू इनकर द होल एक्सपेंडिचर ऑफ सेटलमेंट इन त्रिपुरा पैकेज वॉज अश्योर्ड टू दी अकॉर्ड दैट ईच रेफ्यूजी फैमिली वुड गेट क्या मिलेगा उनको एक प्लॉट मिलेगा फिक्सड डिपॉजिट ऑफ फोर लैख रुपीज़ फ्री राशन एंड अ मंथली स्टाइपेंड ऑफ़ फाइव थाउजेंड फॉर टू ईयर्स इन एडिशन ईच फैमिली विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड रुपीज़ वन पॉइंट फाइव लैख टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस ओके तो ये सारे जो इनिशियल पैकेज है तो वो सारी ब्रू और रेंग कम्युनिटी के लोगों को दिया जाएगा पर फैमिली ओके तो ये आपको ध्यान रखना तो ये प्रोसेस अब स्टार्ट हो गई है नेक्स्ट इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021, सो so, नाम से ही पता चल रहा है कि किसी देश में प्रेस को कितनी फ्रीडम है जो ऑर्गेनाइजेशन रनिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसके सामने बोलने की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके सामने बोलने की उसको क्रिटिक करने की उसको सही करने की क्या फ्रीडम है उसको ये इंडेक्स मेजर करेगा सो इंडिया हैज़ बिन रैंक्ड वन फोर्टी सेकेंड येट अगेन आउट ऑफ वन एटी नेशंस इन द रिसेंटली अनवेल्ड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स तो देखिए वी आर इन दी वेरी लोअर साइड ऑफ दिस स्पेक्ट्रम ओके हम काफ़ी पीछे हैं हमारी प्रेस को फ्रीडम देने के लिए द इंडेक्स इज पब्लिस्ड ईच ईयर बाय द इंटरनेशनल जर्नलिज्म नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी दैट इज़ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स आर एस एफ और उन्होंने ये बताया है जो एनालिसिस है उनका ऑन सम पैरामीटर्स उन पैरामीटर्स के ऊपर से हमें यह पता चला है कि इंडिया का रैंक आउट ऑफ वन कितना है वन क्या है ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स सो इट हैज बीन पब्लिश एवरी ईयर सिंस 2002 थाउजेंड टू बाई रिपोर्टर सांस फ्रंटियर्स और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, बेस्ड इन पेरिस आर एस एफ इज एन इंडिपेंडेंट एन जी ओ स्टेटस विद द यूनाइटेड नेशंस यूनेस्को एंड द काउंसिल ऑफ यूरोप फिफ्टी फोर फ्रेंच स्पीकिंग नेशंस कलेक्टिवली

लेजिसलेटिव फ्रेमवर्क ट्रांसपरेंसी एंड द क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट सपोर्ट द प्रोडक्शन ऑफ न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन ग्लोबल सिनारियो क्या है इसके लिए सो जर्नलिज्म द मेन वैक्सीन अगेंस्ट डिस इन्फॉर्मेशन इज कम्प्लीटली और पार्टली ब्लॉग्ड इन सेवेंटी थ्री परसेंट ऑफ दन एटी कंट्रीज ओनली ट्वेल्व ऑफ द इंडेक्स वन एटी कंट्रीज कैन क्लेम टू ऑफर अ फेवरेबल एनवायरमेंट फॉर जर्नलिज्म देखिए 180 में से सिर्फ 12 कंट्रीज ऐसे हैं जो कैन क्लेम टू ऑफर अ फेवरेबल एनवायरमेंट फॉर जर्नलिज्म जिनके आप खुल कर जर्नलिज्म कर सकते हो कोविड 19 नाइन्टीन हैज बिन यूज्ड टू परफेक्शन बाय नेशंस टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन द रिपोर्ट हैज़ रेज कंसर्न अबाउट द लार्जर एशिया पैसिफिक रीजन एज सेवरल नेशंस इन एन अटेम्प्ट फ्रीडम ऑफ प्रेस हैव इन प्लेस ड्रोकोनियन लॉज ऑन सेडिशन स्टेट सीक्रेट्स एंड नैशनल सिक्योरिटी तो देखिए जब भी गवर्नमेंट को लगेगा कि ये हमारा क्रिटिसिजम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो उसको नेशनल सिक्योरिटी या स्टेट सीक्रेट्स का लेबल देकर उस खबर को क्या कर दिया जाएगा दबा दिया जाएगा नॉर्वे हैज़ टॉप डेट अगेन फॉर द फिफ्थ ईयर इन अ रो फॉलोड बाई फिनलैंड एंड डेनमार्क एरिट्रिया इज एट दॉटम मीन वाइल चाइना इज़ रैंकड एट वन सेवेंटी सेवन एंड इज़ ओनली अबउ नॉर्थ कोरिया एट वन सेवेंटी नाइन एंड तुर्कमेनिस्तान एट वन सेवेंटी एट तो ये चीज़ भी हमें याद रखनी है कि चाइना इज़ आई मीन चाइना इज़ इन बॉटम फाइव ओके सो चाइना में क्या जर्नलिज्म है और बाकी सारे कंट्रीज में भी क्या जर्नलिज्म है अगर हम खुद एनालाइज करेंगे सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट वाई इंडिया इज़ रेंगे फोर्टी सेकेंड क्यों हम इतने पीछे हैं सो इंडिया वॉज रेंग्ड वन फोर्टी सेकेंड इन द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी इज वेल दस शोइंग नो इम्प्रूवमेंट इन द एनवायरमेंट इट प्रोवाइड्स टू इट्स जर्नलिस्ट इंडिया हैज़ फेयरड पुअरली अमोंग इट्स नेबर्स विद नेपाल एट वन जीरो सिक्स श्रीलंका एंड वन ट्वेंटी सेवन एंड भूटान एट सिक्सटी फाइव पाकिस्तान इज ऑल्सो अ क्लोज फॉलोअर एट वन फोर्टी फिफ्थ स्पॉट इंडिया इज अमोंग दी कंट्रीज क्लासीफाइड बैड फॉर जर्नलिज्म एंड इज टर्म्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज फॉर जर्नलिस्ट ट्राइंग टू डू देर जॉब्स प्रॉपरली अब देखिए जब ऐसे कोई बाहर की कोई एजेंसी इंडिया के जर्नलिस्ट जर्नलिज्म को या प्रेस को या प्रेस की फ्रीडम को जब एनालिसिस करेगी तो ऑन ग्राउंड की काफ़ी सारी जो रियलिटीज़ है वो छूट जाती है राइट right, आप देखोगे कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट को काफ़ी बुरी तरह से क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है जिस तरह से गवर्नमेंट कोविड नाइन्टीन की सिचुएशन को हैंडल कर रही है और स्पेसिफिकली इन लास्ट वन टू वीक्स जब ऑक्सीजन की कमी के कारण काफ़ी लोगों की डेथ हो रही है तो देर आर मल्टीपल चैनल्स देर आर मल्टीपल ऑनलाइन जर्नलिस्ट ऑन ट्विटर ऑन यूट्यूब और ऑनलाइन मल्टीपल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो कि गवर्नमेंट को बुरी तरह से ट्रोल कर रहा है उसके सामने देर आर मल्टीपल चैनल्स जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो पैरामीटर में इंक्लूड नहीं की जाती सो द रिपोर्ट हैज़ ब्लेम्ड एन एनवायरमेंट ऑफ इंटिमिडेशन क्रिएटेड बाई द नेशनलिस्ट गवर्नमेंट फॉर एनी क्रिटिकल जर्नलिस्ट ऑफन देम एज एंटी स्टेट और एंटी नेशनल और हमें पता है कि ये काफ़ी सालों से चल रहा है कि जैसे ही आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर आपको एंटी नेशनल करार कर दिया जाएगा बट लेट्स एक्स वाई जेड चैनल इज क्रिटिसाइजिंग दी नैशनल गवर्नमेंट देंट्रल गवर्नमेंट ऑन दो एंड सो टॉपिक ओके अगर वो सेम इशू स्टेट में हो रहा है तो वो चैनल या वो जर्नलिस्ट कभी भी ये हिम्मत नहीं करता कि वो पर्टिकुलर स्टेट में पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट को एनालाइज किया जाए क्यों क्योंकि उस स्टेट के जो करता धरता है जो चीफ मिनिस्टर है या जो रूलिंग पार्टी है वो मेरे फेवर की पार्टी है राइट फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ महाराष्ट्र महाराष्ट्र में कंगना रनौत के साथ जो हुआ दैट इज़ दी चीर हरन ऑफ जर्नलिज्म और चीर हरन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन राइट यू कैन से दैट बट उसके सामने किसी भी लिबरल गवर्नमेंट ने या सॉरी लिबरल जर्नलिस्ट ने कुछ नहीं बोला अगर ये चीज़ मान लीजिए यूपी या गुजरात में हुई होती तो देर आर मल्टीपल लिबरल फोर्सेस के जो इसके सामने बढ़ चढ़कर कर उतर आ दी तो हमारे यहाँ वी कैन नॉट से दैट जर्नलिज्म इज़ न्यूट्रल राइट तो हमारे लिए ये ज़्यादा जो इंडेक्सेस uh, है वो कितना सिग्निफिकेंट है हमारे लिए दैट इज़ ऑल्सो ओपन एंड ओपन क्वेश्चन फॉर डिबेट सो द सिचुएशन इज वरिंग इन कश्मीर वेर इंसिडेंट्स ऑफ हरेसमेंट्स ऑफ रिपोर्टर्स बाई पुलिस एंड पैरामिलिट्रीज है तो हमारे यहाँ देखिए अब जर्नलिज्म कैसे होता है जब हमारे अभिनंदन को पाकिस्तान में वो जब क्रैश करके लैंड हो गया था और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनको कैद करके रखा हुआ था राइट right. सो so हमारे जर्नलिस्ट ये नहीं समझते कि कौन सी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है कौन सी न्यूज़ uh, आपको टीवी पर दिखानी चाहिए प्रिंट मीडिया में देनी चाहिए अवर जर्नलिस्ट डोंट अंडरस्टैंड दैट राइट लेह लद्दाख में जाकर या तमिलनाडु में उसके घर पर जाकर जो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है वो हम ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पर दिखा रहे हैं राइट सो हमारे जर्नलिज़म में भी काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट कि इन दिस एरा हमें ज़रूरत है एंड दैट आफ्टर दोज इम्प्रूवमेंट्स वी कैन से दैट क्या कितनी फ्रीडम है कितनी फ्रीडम नहीं है और देखिए आजकल किसी भी जर्नलिस्ट को फ्रीडम देना या ना देना वो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है क्यों बिकॉज यू हैव दी फ्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्विटर पे आप क्या बोल रहे हो गवर्नमेंट उसके ऊपर बैन नहीं लगा सकती फेसबुक या यूट्यूब पे जाकर आप अपनी चैनल पे क्या बोल रहे हो गवर्नमेंट उसके ऊपर नहीं बोल सकती तो आप जो बोलना चाहो वो बोल सकते हो एंड पीपल आर स्पीकिंग राइट बोथ दी पार्टी सपोर्ट करने वाले भी इतना बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं और टिका करने वाले अपोज करने वाले भी इतना बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं रीजन बिहाइंड इंडिया पुअर परफॉर्मेंस क्या है सो जर्नलिस्ट्स आर एक्सपोज टू एवरी काइंड ऑफ अटैक इंक्लूडिंग पुलिस वायलेंस अगेंस्ट रिपोर्टर्स एम्ब्यूश बाई पोलिटिकल एक्टिविस्ट एंड रेप्रीज इंस्टीगेटेड बाय क्रिमिनल ग्रुप्स और करप्ट लोकल ऑफिशियल्स दी जर्नालिस्ट हैडिनेटेड हेट कैंपेन्स ऑन सोशल नेटवर्क सच कैम्पेन्स आर पर्टिकुलरली वायोलेंट वी टारगेट्स आर वूमेन ओके तो दीज आर बेसिक रीजन्स के जिसकी वजह से इंडिया का सो कॉल्ड रैंक इज ऑन 142 फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या होता है सो द कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 विच डील्स विद दी प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा फ्रीडम ऑफ प्रेस इज नॉट एक्सप्रेसली प्रोटेक्टेड बाई इंडियन लीगल सिस्टम बट इट इज़

देर आर मल्टीपल केसेस के जब सुप्रीम कोर्ट और डिफरेंट स्टेट्स की हाई कोर्ट ने वहाँ पर बाउंड्रीज लगाई है सो इन नाइनटीन फिफ्टी द सुप्रीम कोर्ट इन रोमेश थापर वर्सिस स्टेट ऑफ मद्रासजर्व दैट फ्रीडम ऑफ द प्रेस ले एट द फाउंडेशन ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन हाउ एवर फ्रीडम ऑफ प्रेस इज ऑल्सो नॉट ऑफ इट फेसिस सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस अंडर आर्टिकल नाइनटीन टू विच आर एज फॉलोज मैटर्स रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑफ़ दॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरन स्टेट्स पब्लिक ऑर्डर डिसेंसी और मोरलिटी और इन रिलेशन टू कंटेम्प्टिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस तो आप यहाँ पर भारत तेरे टुकड़े होंगे या पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे हमारे कंट्री में नहीं लगा सकते भाई बिकॉज ऑफ द जियो पोलिटिकल सीनारियो ओवर द यर्स और आफ्टर द इंडिपेंडेंस तो ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है आपके ऊपर सीधा सीधा सिडिशन का केस लगाया जाएगा और लगना चाहिए अगर मैं भारत की ज़मीन पर बोलकर खड़ा रहकर अगर ये बोल रहा हूँ कि भारत तेरे टुकड़े होंगे राइट और किसी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन संसद ने जिसको टेररिस्ट का दर्जा दिया हुआ है अगर उस टेररिस्ट की मैं वाहवाही यहाँ पर कर रहा हूँ तो लॉ अबाइड करता है कि पुलिस या कोर्ट मेरे ऊपर एक्शन ले सकता है ओके एंड आई कैन नॉट ब्रेक दी लॉ चलिए नेक्स्ट अगेन ऐसा थोड़ा इंटरनेशनल uh, रिलेशन और पॉलिटिकल न्यूज़ है एंड दैट इज़ द कुलभूषण जाधव केस तो हमें पता है कि कुलभूषण जाधव को जासूसी के शक के ऊपर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी मिलिट्री ने अपने यहाँ पे कैद करके रखा हुआ है और इंडिया इस मैटर को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले गया है आईसीजे में ले गया है इंडिया का ये कहना है कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव केस में वियना कन्वेंशन को फॉलो नहीं किया है जो प्रोसीजर फॉलो होनी चाहिए थी वो प्रोसीजर फॉलो नहीं हुई है और डायरेक्टली कुलभूषण जाधव को फांसी की सज़ा दे दी गई है इसके ऊपर पिछले साल आईसीजे ने क्या फ़ैसला दिया था कि फांसी की सज़ा को अभी रोक दिया जाए और इमीडिएटली कुलभूषण जाधव को एक अटर्नी प्रोवाइड करवाया जाए जो कि कहाँ से हो उसके नेटिव कंट्री इंडिया से हो सो पाकिस्तान हैज अर्ज इंडिया टू अपॉइंट अ लॉयर टू रेप्रेजेंट डेथ रो कन्विक्ट कुलभूषण जाधव टू इम्प्लीमेंट दर्डिक्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है कुलभूषण जाधव के जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ अगेन वी विल सी इट सो कुलभूषण जाधव वॉज अस्ड टू डेथ बाय अ पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट ऑन अ चार्जेस ऑफ एस पी ओनाज का मतलब है जासूसी करना ऑन द चार्जेस ऑफ एस एंड टेररिज्म इन अप्रैल ट्वेंटी सेवन इंडिया अप्रोच दईसीजी अगेंस्ट पाकिस्तान फॉर डिनाइल ऑफ काउंसिलर एक्सेस वियना कन्वेंशन टू जाधव एंड चैलेंजिंग द डेथ सेंटेंस आईसी जे रूल्ड इन जुलाई ट्वेंटी नाइनटीन दैट पाकिस्तान मस्ट अंडरटेक एन इफेक्टिव रिव्यू एंड रिकन्सिडरेशन ऑफ़ दन्विक्शन एंड सेंटेंस ऑफ जादव एंड ऑल्सो ग्रांड कॉन्स्युलर एक्सेस टू इंडिया विदाउट फर्दर डील है कॉन्स्युलर एक्सेस का मतलब क्या है कि उसको अपने पसंदीदा वकील की फ्रीडम uh, होनी चाहिए दैट इज़ नोन एज कॉन्स्यूलर एक्सेस इट है asked pakistan to provide a proper forum for appeal against the sentence given to Jado by the military court. implications of effective review and reconsideration for india. so, yeah, india, kafi badi jeet ja rahi thi after the, uh, you know, multiple fights with uh, pakistan on several platforms. so, effective review and reconsideration is a phrase which is different from review as one understands in a domestic course. इट इंक्लूड्स गिविंग कॉन्सुलर एक्सेस एंड हेल्पिंग जादव इन प्रिपेरिंग इज डिफेंस इट मीन्स दैट पाकिस्तान हैज टू डिसक्लोज द चार्जेज एंड ऑल्सो द एविडेंस विच इट हैज़ बीन एब्सोल्यूटली एपिक अबाउट अपटिल नाउ तो पाकिस्तान ने देखिए कोई uh, प्रूफ नहीं दिया है कि वो एस पी ओनाज कर रहा था या वो टेररिज्म एक्टिविटीज के साथ जुड़ा हुआ था राइट right? तो अब ये आईसी में यह कहा गया है कि उसको ये सारे जो आ, प्रूफ है वो देने पड़ेंगे पाकिस्तान वुड ऑल्सो हैव टू डिस्कलोज दी सर्कमस्टांसिस इन विच द कन्फेशन वॉज एक्सट्रेक्टेड बाई द मिलिटरी इट इम्प्लाइज दैट जाधव विल हैव अ राइट टू डिफेंड विच एवर फोरम और कोर्ट हियर्स इज दिस केस तो वो पाकिस्तान कोई सी भी कोर्ट में जब जब भी ये केस चलाएगा जाधव के पास ये फ्रीडम होगा कि वो अपना डिफेंड कर सके। वियना कन्वेंशन क्या है सो so, वियना कन्वेंशन इज बेसिकली आ, अग्रीमेंट कि दोनों कंट्रीज़ को अपने जो बायलैटरल रिलेशन है जो या जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसको कैसे आगे लेके जाना है उसको कैसे कंडक्ट करना है Okay, so the Vienna Convention on Consular Relations is an international treaty that defines the consular relations between independent states. A consul who is not a diplomat is a representative of a foreign state in a host country who works for the interest of his countrymen. Article 36 of the Vienna Convention states that foreign nationals who are arrested or detained in the host country must be given notice. Without delay of their right to have their embassy or consulate notified of their arrest. तो जैसे ही अगर जो कोई diplomat नहीं है, कोई भी अगर ऐसा बंदा मान लीजिए कोई भी foreign national arrest होता है, तो आपको straight away उसकी जो native embassy है, उसको आपको without any delay उसको क्या करना पड़ेगा notify करना पड़ेगा कि हमने आपके country के आ, सिटीजन को अरेस्ट किया हुआ है इफ़ द डिटेंड फॉरिन नेशनल सो रिक्वेस्ट द पोलिस मस्ट फैक्स दैट नोटिस टू द एम्बसी और कॉन्सुलेट विच कैन देन वेरीफाई द डिटेन्ड पर्सन तो फैक्स करना भी जरूरी है अगर वो रिक्वेस्ट करता है जिसको अरेस्ट किया गया है वो बंदा रिक्वेस्ट करता है तो उसकी नेटिव कंट्री को फैक्स भी किया जाएगा दी नोटिस टू द कॉन्सुलेट कैन बी सिंपल एज फैक्स गिविंग द पर्सनस नेम द uh, place of arrest and if possible something about the reason for the arrest or detention और उसके बाद embassies इसको verify करेगी कि ये हाँ ये यह हमारे यहाँ का ही citizen है और India का ये मानना है कि यही सारे जो protocol थे वो follow नहीं किए गए ICJ is a principal judicial organization of the United Nations. It was established in 1945 by a UN Charter and began working in 1946 as the successor to the Permanent Court of International Justice. It settles legal disputes between member countries and gives advisory opinions. To authorized UN organs and specialized agencies. An Indian judge Dalveer Bhandari has been a member of the ICJ since April 2012. It is seated in the Peace Palace of Hog. दरलैंड ओके okay, तो हमारे यहाँ से जो जज है जो इलेक्ट हुए हैं वहां पे दैट इज जज दलवीर भंडारी और वो अप्रैल 2012 से जजेस ज़ की जो पैनल होती है आईसीजे में वहां पे बने हुए हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू प्रोग्राम ऑफ इसरो अब क्या है ये रिस्पॉन्ड प्रोग्राम सो रिसेंटली इसरो हैज दैट इट विल सपोर्ट एट ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स म्यूटेड बाई द स्पेस टेक्नोलॉजी सेल ऑफ आई आई टी तो देखिए एट जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसमें अब कौन भागीदारी करेगा इसरो अपना कंट्रीब्यूशन देगा और इसरो उसको सपोर्ट करेगा सो द हैज एक्सटेंडेड सपोर्ट टू प्रोजेक्ट्स अंडर इट्स रिस्पॉन्ड प्रोग्राम इसरो स्टार्टड द रिस्पॉन्ड प्रोग्रामीज विद्जेक्टिव ऑफ एनकरेजिंग एकेडेमिया टू पार्टिसिपेट एंड कॉन्ट्रीब्यूट इन वरियस स्पेस रिलेटेड रिसर्च एक्टिविटीज तो ये जरूरी नहीं है कि खाली इसरो अगर स्पेस रिसर्च एजेंसी है तो सिर्फ इसरो ही स्पेस रिलेटेड रिसर्च कर सकती है देर आर मल्टीपल अदर ऑर्गेनाइजेश ऑर्गेनाइजेश जिनके स्टूडेंट्स स्पेस रिसर्च करना चाहते हैं और कर रहे हैं तो इसरो उनको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी और ये प्रोजेक्ट चल रहा है नाइनटीन सेवेंटीज से सो अंडर द प्रोग्राम इसरो प्रोवाइड्स फिनंशियल सपोर्ट फॉर कंडक्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू स्पेस साइंस स्पेस टेक्नोलॉजी एंड स्पेस एप्लीकेशन इन एक्डेमिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया This is the flagship program of ISRO to promote extramural research in the emerging areas of space at academia. It looks to enhance the academic base, generate human resources and infrastructure at the academic institutions to support the space programs. India is on course to launch its first human spaceflight mission, Gaganyaan where indian astronauts will spend time to conduct space experiments. this ambitious mission will help the country prepare for future deep space missions. respond is also participating in the national missions like imprint that is impacting research, innovation and technology program and uchitar Avishkar yojana So, isro काफी is a level where on academic field maybe isro coffee help.

The Nation for Inclusive Growth and Self Reliance imprint provides the overarching vision that guides research into areas that are uh, predominantly socially relevant. तो so बेसिकली हमारे जो चैलेंजेस आ रहे हैं साइंस फील्ड में या साइंस रिसर्च फील्ड में उसको कैसे एड्रेस किया जाए इसके लिए इंप्रिंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था जो कि सारी आईआईटीज़ को और आईआईएम्स को जोड़ता था क्रॉस दी कंट्री

ओके okay, जिसको आ, कुछ महीनों पहले जब अनलॉक स्टार्ट हुआ था तब उसको रिवोक कर लिया गया था मार्च 2020 में उसको इन्वोक किया गया था उसको लागू किया गया था अगेन उसको रिवोक कर लिया गया था वापस ले लिया गया था अब देखिए बेसिकली क्या है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर सिचुएशन वर्स्ट हो रही है तो उसके जो डी है कलेक्टर है उनको एक्स्ट्रा पावर्स दे दी जाती है टू एक्ट अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन ये बेसिकली ये एक्ट है कि वो अप्रूवल के चक्कर में ना फंसना पड़े ऊंचे ऊंचे-ऊंचे लोगों तक ना जाना पड़े और जो स्टे ज़िले का जो कलेक्टर है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो अपने हिसाब से सिचुएशन को टैकल करने के लिए डिसीजंस ले सके या एक्ट कर सके उसके लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया था ताकि जो डिज़ास्टर है उसको इफेक्टिव वे में टैकल किया जा सके सो रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन्वोक्ड डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 थाउजेंड एंड फाइव एंड ऑर्डर्ड फ्री इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग व्हीकल्स हमें पता है कि ऑक्सीजन की काफ़ी स्टेट्स में किल्लत है स्केरसिटी है और उसकी वजह से स्पेसिफिकली मेडिकल ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से काफ़ी सारे जो क्रिटिकल कोरोना पेशेंट्स हैं उनकी डेथ होती हुई हमें दिख रही है अक्रॉस ऑल दी स्टेट्स और दिल्ली महाराष्ट्र से जैसे स्टेट में तो सिचुएशन uh, जो है वो काफ़ी भयंकर होती जा रही है अर्लियर इन मार्च 2020 ट्वेंटी वरियस गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ इन्वोक्ड द रिस्पेक्टिव पावर्स अंडर द डीएम एक्ट टू डील विद द नोवेल कोरोना वायरस आउटब्रेक इन दी कंट्री तो मैंने जैसे बताया पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तब तो ये एक्ट लागू किया गया था द डीएम एक्ट वॉज पास्ड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन टू थाउजेंड एंड फाइव फॉर द एफिशंट मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर्स एंड अदर मैटर्स कनेक्टेड टू इट हाउ एवर इट केम इन टू फोर्स इन जनवरी टू थाउजेंड एंड सिक्स ऑब्जेक्टिव क्या था इसका सो टू मैनेज डिजास्टर्स इंक्लूडिंग ऑफ मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज बिल्डिंग एंड मोर डेफिनेशन ऑफ अ डिजास्टर इन सेक्शन टू डी ऑफ द डी एम एक्ट स्टेट दैट द डिज़ास्टर मीन्स अ कैटास्ट्रोफ मिशेप कैलेमिटी और अ ग्रेव अकरेंस ऑफ इन एनी एरिया अराइजिंग फ्रॉम नेचुरल और मैन मेड कॉजेस तो ऐसा कोई भी नेचुरल या मैन मेड इवेंट जिसकी वजह से कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन अगर खड़ी होती है तो उसको क्या माना जाएगा डिजास्टर माना जाएगा अकॉर्डिंग टू द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट मेजर फीचर्स ऑफ़ द एक्ट क्या है सो so इसके लिए नोडल एजेंसी कौन सी रहेगी सो द एक्ट डेजिग्नेट्स द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर स्टरिंग द ओवरऑल नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट और आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों में होम मिनिस्टर खुद अलग अलग जगहों पर जाकर अलग अलग स्टेट में जाकर जो कोविड हॉस्पिटल्स जो नई नई बनाई जा रही है उसकी और जो ऑक्सीजन डिमांड्स है उसका इवेल्युएशन करते हुए हमें दिख रहे हैं इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या होगा सो इट पुट्स इन टू प्लेस अस्टमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूशन एट द नेशनल स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स नेशनल लेवल्स इंपॉर्टेंट एंटिटीज क्या होगी सो द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी इसके अंडर सो इट इज़ आज विथ लेइंग डाउन डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड अनश्योरिंग टाइमली एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स मेकैनिजम्स तो अलग अलग डिजास्टर के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी की आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ये जो एन है तो वो उस अलग अलग स्ट्रेटजीज़ को बनाएगी उसको इवेल्युएट करेगी और उसका इम्प्लीमेंटेशन करेगी द नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन एट ऑफ द डीएम एक्ट टू असिस्ट द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शंस द एन ई सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान फॉर दी होल कंट्री एंड टू इन्श्योर दैट इट इज़ रिव्यूड एंड अपडेटेड एन्युअली ओके तो ये जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके लिए आपको याद रखना है दी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या करेगा इट इज़ एन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर मैनेजिंग नेचुरल कैलॉमिटीज एन डी आर एफ वी ऑल नो कि जब जब भी, भी कोई नेचुरल कैलॉमिटी आती है तो एन डी आर एफ के जो आ, जवान्स हैं जो पर्सोनल्स हैं वो वहाँ जाकर लोगों की मदद करते हुए हमें दिखते हैं सो इट रिफर्स टू द ट्रेंड प्रोफेशनल यूनिट दैट आर कॉल्ड अपॉन फॉर स्पेशलाइज्ड रिस्पॉन्स टू डिज़ास्टर्स जैसे कि उत्तराखंड में जब ग्लेशियर वाला डिज़ास्टर हुआ था तो एनडीआरएफ की एक पूरी टीम सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे भेजेगी दोज आर द ट्रेंड परसोनल्स ओके स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या किया जाएगा सो दी एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर अमोंग अदर थिंग्स ड्राॅइंग प्लान्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल प्लान्स एंड प्रिपेयरिंग लोकल प्लान्स स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी एंड डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मधु क्रांति पोर्टल एंड हनी कॉर्नर्स सो रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैज़ लॉन्च्ड मधु क्रांति पोर्टल एंड हनी कॉर्नर्स क्या है ये मधु क्रांति पोर्टल सो इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ नेशनल बी बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर अंडर द नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन

एडुलट्रेशन ऑफ हनी सिग्निफिकेंस क्या है इसका सो द पोर्टल विल हेल्प इन इंक्रीजिंग इनकम ऑफ द फार्मर्स बूस्ट एक्सपोर्ट्स एंड इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो देखिए ये प्रोग्राम तो जो हमारा जो खादी कमीशन है वो काफ़ी सालों से हनी रिलेटेड जो भी छोटी छोटी कमर्शियल एक्टिविटीज़ है उसको प्रमोट करता आया है स्पेसिफिकली इन द ट्राइबल एरियाज ओके ताकि ट्राइबल एरियाज के जो लोग हैं वो हनी कल्चर के साथ जुड़ सके या बी कल्चर के साथ जुड़ कर अपनी जो इनकम है उसको बढ़ा सके सो पोर्टल विल होल्ड दी डेटा ऑफ ऑल दी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन हनी प्रोडक्शन मार्केटिंग चेन्स हाई प्रोडक्शन एंड सेल्स इट विल इंक्रीज द रीच ऑफ हनी टू इंटरनेशनल मार्केट्स एज वेल हनी कॉर्नर्स क्या है सो हनी कॉर्नर्स आर स्पेशल स्पेसिस फॉर मार्केटिंग एंड सेल ऑफ़ हनी इट इज़ ऑपरेटेड बाई नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि है नाफेड जो कि इसी के लिए काम करती है सो द नाफेड विच इज़ नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सो नाफेड इज रजिस्टर्ड अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट इट was सेटअप इन नाइनटीन फिफ्टी एट विथ द ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट कॉपरेटिव मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस टू बेनिफिट दी फार्मर्स और इसी के चलते नेशनल बी बोर्ड बनाया गया था सो स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कॉन्सोर्टियम रजिस्टर्ड द एन बी बी एस दोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट एटीन सिक्सटीन टू थाउजेंड एंड वॉज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन जून टू थाउजेंड एंड सिक्स बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है इसका सो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ बी कीपिंग बाय प्रमोटिंग साइंटिफिक बी कीपिंग इन इंडिया टू इंक्रीज दी प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स थ्रू दी पोलिनेशन एंड इंक्रीज दी हनी प्रोडक्शन फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड बी कीपर्स और फार्मर्स ओके कई सारे फार्मर्स जो होते हैं वो साइड बिजनेस की तरह ये बी uh, कल्चर या हनी प्रोडक्ट जो है वो उसकी बिक्री करते हैं और उसको ज़्यादा बूस्ट देने के लिए यह पोर्टल बनाया गया है प्रेजेंटली एनबीबी बी बी इज इम्प्लीमेंटिंग नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन एंड हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट वेल नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन क्या है सो द मिशन वाज अनाउंसड एज अ पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत स्कीम इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम एन एम्स फॉर दी ओवरऑल प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक बी कीपिंग इन द कंट्री टू अचीव द गोल ऑफ स्वीट रिवोल्यूशन विच इज़ बींग इम्प्लीमेंटेड थ्रू द नेशनल बी बोर्ड तो देखिये आगे कभी भी अगर आप स्वीट रिवोल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है किससे रिलेटेड है यह अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो इट इज़ रिलेटेड टू बी और इट इज रिलेटेड टू हनी और बी प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स हनी मिशन क्या है सो द हनी मिशन वॉज लॉन्च इन ऑगस्ट ट्वेंटी सेवेंटीन In line with the Sweet Revolution. The Sweet Revolution was launched in 2016 to promote beekeeping and associated activities under the Honey Mission Khadi Village Industries Commission. KVIC provides awareness. ट्रेनिंग एंड बी बॉक्सेस अलोंग विद द बी कॉलोनीज टू दी फार्मर्स और जैसे कि मैंने आपको कहा कि ज़्यादातर जो ट्राइबल एरियाज़ है या जो दूर सुदूर के जो गांव हैं जो इंटीरियर एरियाज़ है वहाँ के जो लोग अपने गांव से जो बाहर नहीं जाना चाहते अपने गांव में रहकर कुछ कमर्शियल एग्रो बिजनेस अगर करना चाहते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी अगर करना चाहते हैं तो उनको के ये सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगा और बी कल्चर को वो बूस्ट करेगा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्लू फ्लैग बीचेस राइट तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या है ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस टॉपिक इन वेरी मच डिटेल इन आवर अर्लियर लेक्चर्स सो रिसेंटली ओडिशा गवर्नमेंट प्लान टू गेट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन फॉर फाइव बीच वॉज अपोज बाई फिशरमैन लोकल फिशरमैन ने Uh, इस जो डिसीजन है ये जो इनिशिएटिव है उसको अपोज किया है क्यों अपोज किया है वो भी हम आगे देखेंगे उनकी क्या डिमांड है सो ओडिशा प्लान टू डेवलप्ड फाइव फोर मोर बीच फाइव मोर बीचेस इन थ्री डिस्ट्रिक्ट्स टू मीट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आफ्टर रिसीविंग दिस सर्टिफिकेशन फॉर पूरीज गोल्डन बीच इन ट्वेंटी फिशरमैंस की क्या डिमांड है सो द प्रपोज और देखिए uh, एशिया का जो पहला ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जिसको मिला था वो बीच था चंद्रभागा बीच जो कि पूरी से पूरी बीच से 30 किलोमीटर दूर दूरी पर आया हुआ है जो कि है उड़ीसा में सो दी प्रपोज लैंड फॉर सर्टिफिकेशन इज यूज बाई द फिशरमैन टू एंकर देयर बोट्स दे वॉन्ट अ परमानेंट सी माउथ टू एंकर द फिशिंग बोट्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड शुड बी एन्श्योर्ड एंड प्रोटेक्टेड रीओपनिंग ऑफ अ न्यू फिशिंग जेट्टी तो फिशरमैन की ये सारी डिमांड है कि अगर आप ला रहे हो वी आर नॉट अगेंस्ट दैट बट अगर आप ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ला रहे हो तो हमारी जो डिमांड है उसको पहले पूरा किया जाए हमारा लाइवलीहुड इन्श्योर किया जाए हमारी बोट रखने की जो जगह है नई एक जट्टी बनाई जाए ये सारी डिमांड अगर आप पूरी करते हो उसके बाद आप खुशी से ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन में जाए सो ब्लू फ्लैग बीचिस आर कंसिडर्ड क्लीनेस्ट बीचज अक्रॉस दी वर्ल्ड

फाउंडेशन ऑफ़ एनवायरमेंट एजुकेशन की तरफ से ओके सो क्राइटेरिया फॉर सर्टिफिकेशन क्या है इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर द ब्लू फ्लैग अ सीरीज ऑफ स्ट्रेंड एनवायरमेंटल एजुकेशनल सेफ्टी एंड एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरिया मस्ट बी मेट एंड मेंटेन्ड देर आर

A revision or the blue flag program for which uh, is and maintains is run by the international non governmental non profit organization FEE, which is Foundation for Environmental Education, uh, which was established in France 1985. On the line of blue flag certification, India has also launched its. ओन इको लेबल बीम्स तो देखिए ये चीज़ आपके लिए नई है कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की तर्ज पर इन लाइन विद द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इंडिया ने अपने जो लोकल बीचेज है उनको कौन सा एक इकोलेबल देना स्टार्ट किया है दैट इज नोन एज बीम्स बीच एनवायरमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज ओके तो पहले इन, इनको बीम्स दिया जाएगा और उसके बाद उसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए प्रमोट किया जाएगा बीच एनवायरमेंट एंड एस्थे मैनेजमेंट सर्विस दट कम्स अंडर आई सीजेड एम विच इज द इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट दिस वॉज लॉन्च बाई दोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट एंड द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज बीम्स का ऑब्जेक्टिव क्या है सो अबेट दी पॉल्यूशन इन कोस्टल वॉटर्स प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ बीच फेसिलिटीज प्रोटेक्ट एंड कंजर्व कोस्टल इकोसिस्टम्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज स्ट्राइव एंड मेनटेन हाई स्टैंडर्ड्स एंड क्लीनलीनेस हाइजीन एंड सेफ्टी ऑफ दी बीच गोवर्स इन अकॉर्डेंस विद दी कोस्टल एनवायरमेंट एंड रेगुलेशन ओके एज ऑफ नाउ कौन से बीचस को इंडिया में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है एक्चुअली थर्टीन बीच को प्रोजेक्ट किया गया था भेजा गया था टू गेट दी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बट उसमें से आठ ही बीच है जो क्वालीफाई हो पाए हैं और वो कौन से हैं वो है शिवराजपुर गुजरात घोगला इन दमन एंड दीव कासार कोड इन कर्नाटका एंड पदुपिदरी इन कर्नाटका तो कर्नाटका के दोनों बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल गया है कप्पड़ केरला ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश गोल्डन बीच ओडिशा एंड राधानगर बीच इन आंदमान एंड निकोबार उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको यहाँ पर मैप में दिया हुआ है ऑन योर स्क्रीन सो आई होप एवरीथिंग इज़ नाउ क्लियर फॉर दी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिस वॉज योर टूडेज़ लेक्चर इफ़ एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो टिल देन स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू